हेलो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, हम राजवीर सिंह राठौर योर इंग्लिश ट्रेनर, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश ब्लास्टर में। आज फिर से हम आपके लिए एक शानदार वीडियो लेके आए हैं फ्रेजल वर्ब का क्लास। फ्रेजल वर्ब जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक एग्ज़ाम के लिए, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और समझें और इसको एक नोट्स बनाएं और अच्छे से लिखें और इसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये हर एक एग्ज़ाम में, चाहे बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, किसी कॉम्पिटेटिव लेवल का एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला वर्ड, पहला फ्रेजल वर्ब है हमारा गेट रीड ऑफ। गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ का मतलब होता है फ्री वन सेल्फ फ्रॉम। फ्री वन सेल्फ फ्रॉम मतलब किसी से छुटकारा पाना। फ्री वन सेल्फ फ्रॉम का मतलब होता है किसी से छुटकारा पाना। ठीक है, अगला है हमारा गिफ्ट ऑफ गैब। गिफ्ट ऑफ गैब, तो गिफ्ट ऑफ गैब का मतलब होता है गुड एट स्पीकिंग इलोक्विंटली, मतलब प्रभावशाली ढंग से बोलने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, गिफ्ट ऑफ गैब। प्रभावशाली ढंग से बोलने की क्षमता का पावर जो होता है, जो आदमी बहुत अच्छे ढंग से बोलता है, लोगों को समझा पाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं गिफ्ट ऑफ गैब। नेक्स्ट है हमारा गिव अप। ये तो आप सब जानते होंगे, गिव अप का मतलब होता है लीव, लीव कर देना, गिव अप कर देना मतलब छोड़ देना। ठीक है, नेक्स्ट वन है हमारा गिव इन। क्या गिव इन, गिव इन का मतलब टू एल्ड, मतलब झुकना। क्या झुकना, गिव इन टू इल्ड, गिव इन का मतलब होता है टू इल्ड, मतलब झुकना होता है इसका मतलब। गिव वे, गिव वे का मतलब होता है ब्रेक, मतलब टूटना, ब्रेक मतलब टूटना, तो गिव वे का हिंदी क्या होगा बच्चों, टूटना इसका मतलब होता है। गिव ओवर, गिव ओवर का मतलब होता है सरेंडर, सरेंडर करना, छोड़ देना, है ना, जैसे कोई पुलिस आपको पकड़ ले, आप कुछ कर रहे थे, आप छोड़ दिए, सरेंडर कर दिए। ठीक है, तो ये हुआ गिव ओवर, क्या होता है गिव ओवर का मतलब सरेंडर करना, इसका अर्थ होता है छोड़ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेजल वर्ब है नेक्स्ट हमारा गिव अवे। गिव अवे का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट। गिव अवे मतलब डिस्ट्रीब्यूट, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, गिव अवे का मतलब क्या हो जाएगा, बांटना। अगला है हमारा गिव आउट। क्या है गिव आउट, गिव आउट का मतलब होता है टू अनाउंस, टू अनाउंस मतलब अनाउंस करना, गिव आउट का मतलब टू अनाउंस, अनाउंस करना मतलब किसी भी चीज़ को घोषित करना, बताना, सामूहिक रूप से सबको बताना, अनाउंस करना होता है। गो बाय, अगला है हमारा गो बाय। गो बाय का मतलब स्पेंड, मतलब गुजारना या व्यतीत करना होता है। गो बाय का मतलब स्पेंड करना, इसी को हिंदी में बोलेंगे गुजारना या व्यतीत करना। गो ऑफ का अर्थ होता है, गो ऑफ का मतलब होता है बी डिस्चार्ज, बी डिस्चार्ज मतलब होता है छूटना, जैसे आप मोबाइल में चार्ज लगाते हैं फिर वो छूट जाता है, तो बी डिस्चार्ज हुआ गो ऑफ। गो ऑफ का मतलब बी डिस्चार्ज, है ना, कनेक्शन छूट जाना, डिस्चार्ज। अगला है हमारा गो अवे। गो अवे का मतलब होता है गेट आउट, मतलब चले जाना, गो अवे का मतलब चले जाना। ठीक है, अगला है हमारा गो बैक ऑन, मतलब अपटर्न होना। गो बैक ऑन का अर्थ होता है अपटर्न होना, गो बैक का अर्थ अपटर्न होना, मतलब वापस लौट जाना, है ना, वापस लौट जाना, वापस आना। उसके बाद हमारा आज का लास्ट है फ्रेजल वर्ब गो इनटू। गो इनटू का मतलब होता है एग्जामिन, गो इनटू का मतलब एग्जामिन, किसी भी चीज़ की जांच पड़ताल करना के लिए हम प्रयोग करते हैं गो इनटू। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो देन डेफिनेटली वीडियो लाइक, वीडियो सब्सक्राइब, कॉमेंट एंड शेयर एंड सपोर्ट मी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।